गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सोहेल सर, योर सोशल साइंस टीचर. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2, सिविक्स बुक, प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. इन दिस सेकंड पार्ट आई विल एक्सप्लेन ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. ई, Give short answers for the following questions in 20 to 30 words. दिए गए प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दें. स्टूडेंट्स, अब देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो लगभग 20 से 30 शब्दों में ही देना है. The first question is define prejudice. तो prejudice क्या है, यानी कि पक्षपात क्या है, उसे define करें. तो अब देखते हैं इसका आंसर किस पेज में होगा. तो इसका आंसर है पेज नंबर 203. एक जगह देखेंगे लिखा होगा रिकैप, और उसका फर्स्ट पॉइंट जो है उसको हम लोग प्रॉपर अंडरलाइनिंग कर लें और तब जाके इसको फेयर करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. प्रिजुडिस मींस टू सी और जज अदर पीपल इन अ नेगेटिव और इन्फीरियर मैनर विदाउट नोइंग मच अबाउट देम. तो प्रिजुडिस उसे कहते हैं जब हम किसी भी इंसान को बिना उसे जाने समझे बूझे हम उसके ख़िलाफ़ कोई दुर्भावना रखें, यानी कि पक्षपात करें, भेदभाव करें, उसे नीच दिखाएं, तो इसे ही हम लोग प्रिजुडिस कहते हैं, यानी कि पक्षपात. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2. What are the various factors due to which people feel discriminated against? तो क्या क्या ऐसे factors हैं जिससे लोगों के साथ भेदभाव होता है? तो अब देखेंगे इसका आंसर किस पेज में होगा. तो इसका आंसर है पेज नंबर 201. Look at the topic at the top. ऊपर में देखेंगे, सबसे ऊपर में एक टॉपिक होगा, लिखा होगा उसमें काइंड्स ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो इसका आंसर वहीं से अंडरलाइनिंग करेंगे. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ मेनी रीजन. तो कई कारण है जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है. पीपल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स दे बिलोंग टू. तो किस किस वजह से भेदभाव होता है हमारे यहाँ? तो सबसे पहले है रिलीजन, यानी कि धर्म के हिसाब से. अलग अलग धर्मों में भी देखते हैं बहुत भेदभाव होता है. रीजन, क्षेत्रों के हिसाब से भी, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई आपको ठीक है गुजरात का होगा तो वहाँ देखिएगा भेदभाव होता है. खास कर जो बिहार के लोग वहाँ जाके काम करते हैं या यूपी के हैं तो उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता है. कास्ट के हिसाब से, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है तो उनके हिसाब से भेदभाव होता है. एसटी एससी है, अपर कास्ट है इस सब में. जेंडर के हिसाब से, यानी कि लिंग के हिसाब से, यानी कि लड़का में लड़की में, तो देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में पहले बॉयज़ को पढ़ने की इजाज़त थी, यानी कि एजुकेशन लेने की, गर्ल्स को नहीं थी. तो इस तरह का भेदभाव था. आज बहुत हद तक कम है, बहुत और जगह भी होता है. तो जैसे जो अच्छा खाना हो, अच्छा कपड़ा हो, वो बॉयज़ के लिए है तो गर्ल्स को लोग नहीं दे पाते हैं. तो इस तरह के भी भेदभाव हमारे सोसाइटी में होते हैं. और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, तो ख़ास करके जो आपको इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स है, यानी कि जो आपको अच्छे खासे खाते पीते घर के हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे, और जो गरीब हैं वो गरीबे चले आ रहे हैं, उन्हें कोई ठीक है अच्छा सा कुछ मिलता ही नहीं है. मतलब ना उनके बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना कोई अच्छा सा खा पाते हैं, तो उन्हें मान लीजिए कोई भी जो है आपको नेचुरल रिसोर्स जो है उनको नहीं मिल पाता है. तो ये सब इस तरह के जो भेदभाव हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड दलित्स, वुमेन, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फाइट फॉर अलोंग विद फ्रीडम्स फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. तो देखते हैं कि दलित हो या महिला हो या पीजेंट यानी कि जो आपको किसान हो या जो ट्राइबल यानी कि आदिवासी हो, वो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के अलावा भी और भी कई लड़ाई वो लड़ रहे थे. एक
तो जो देश हमारा गुलाम था, ब्रिटिश जो रूल था उसके अगेंस्ट भी हुई थे, और ये खुद की भी लड़ाई लड़ रहे थे। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आपको पेज नंबर 202 में देखेंगे, एक जगह टॉपिक होगा द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइवर्सिटी। तो इसमें आएंगे इन द थर्ड लाइन, तीसरे लाइन में आएंगे, दलित्स, ट्राइबल्स, वुमेन एंड फार्मर्स फाउट नॉट ओनली फॉर फ्रीडम बट ऑल्सो फॉर डिग्निटी एंड इक्वलिटी। तो दलित जो है, या फिर आदिवासी जो हैं, या औरतें हैं, या किसान हैं, तो ये सब जो है आपको आज़ादी की लड़ाई तो लड़ ही रही थी, और अपनी डिग्निटी और इक्वलिटी के लिए भी संघर्ष कर रही थी। वो अपने आप को या सोसाइटी में और बेहतर उनको इज्जत सम्मान मिले और बराबर का अधिकार मिले, तो इसकी भी लड़ाई लड़ रहे थे। तो सम्मान और बराबरी की भी अधिकार वो चाहते थे, और ब्रिटिश से तो खैर लड़ ही रहे थे, और सोसाइटी में जो भेदभाव उनके खिलाफ होता था वो उनसे भी लड़ रही थी। दे फाउट अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन डैट दे फेस इन दियर लीव्स। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना उन्हें इन सब चीज़ों से भी संघर्ष करना पड़ रहा था, इन सब चीज़ से भी वो लड़ रही थी, ख़ास करके असमानताएं जो थी, भेदभाव जो था, वो इनके खिलाफ भी लड़ रही थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी। दलित्स ट्राई टू गेन एंट्री इन टू टेम्पल्स। तो जो दलित थे, जो जो शेड्यूल कास्ट थे, वो चाहते थे कि मंदिरों में भी हम पूजा पाठ कर सकें। तो जिसमें खास कर ब्राह्मणों का राज होता था, तो वो लोग एंट्री नहीं देते थे, दूर से ही कहते थे कि पूजा पाठ कीजिए, मंदिर के अंदर नहीं आना था। या जो कुएं का पानी, जो अपर क्लास के थे तो वो इन लोगों को पानी पीने नहीं देते थे, या जो इनके बच्चे पढ़ना चाहते थे वो पढ़ने नहीं देते थे, रोकते थे। तो इनके लिए स्कूल नहीं था, अब वो जिस स्कूल में भेजना चाहते थे वहाँ अपर क्लास के बच्चे थे, ब्राह्मण के, राजपूत के, कास्ते के, तो इनके साथ ये लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो इस तरह की बहुत सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो तकलीफें थे वो इनसे भी लड़ रहे थे। फार्मर्स एंड ट्राइबल्स फाउट अगेंस्ट द मनी लेंडर्स। और किसान आदिवासी जो थे वो लड़ रहे थे किससे? ज़मींदारों से। तो ज़मींदार जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस करते थे इन लोगों पर, हु चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे कि कभी कभी इन लोग उनको दे भी नहीं पाते थे, तो इनकी सारी ज़मीनें चली जाती थी ज़मींदारों के हाथ में। तो जब भी वो इनका जो है पैसा जो लेकर के वो खेती बाड़ी करते थे या अपने बच्चे की शादी करते थे, और जब वो खेती से नहीं चुका पाते तो इनका पूरा खेत ही चला जाता था। तो लोग इनसे बहुत परेशान थे। तो बीघों का जो खेत होता था वो इन गरीब किसानों का ज़मींदारों के हाथ में चला जाता था, और ज़मींदार के पास ज़मीन बढ़ती जाती और ये बेचारे लैंडलॉर्ड से हो गए लैंडलेस। तो इनकी भी लड़ाई लड़ रहे थे कि चार्ज बहुत हाई है। एंड वोमेन डिमांडेड द राइट्स टू एजुकेशन जस्ट लाइक मेन। और औरतें और लड़कियों का ये डिमांड था कि जिस तरह मर्दों को या लड़कों को पढ़ने का अधिकार है, तो वो अधिकार हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो आखिर हम भी तो इसी सोसाइटी में हैं, इसी कंट्री में हैं, तो हमें भी ये इजाज़त मिले, वो हम भी अपने घर से बाहर निकल कर के स्कूल में, कॉलेजेस में हायर एजुकेशन ले सकें। तो ये अधिकार जो पहले नहीं था, तो इसकी संघर्ष लड़ रही थी औरतें और लड़कियां। तो ये आंसर था आपका E3 का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स यू सो मच गाइस, आई होप दिस वीडियो इज कम्प्लीटली हेल्पफुल टू यू। थैंक्स यू, स्टे होम, स्टे सेफ।